अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ डू आई पुट थंबनेल्स ऑन माय वीडियोस। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम लोग किस तरह आसानी के साथ अपनी वीडियो पे यूट्यूब की वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आई यूजुअली यूज़ द पावर पॉइंट स्लाइड्स एज द थंबनेल्स फॉर माय वीडियोस। ये पावर पॉइंट की एक पूरी फाइल है जिसमें मैं तकरीबन छः वीडियोस के लिए थंबनेल्स बनाए हुए हैं, जो आने वाले वीडियोस हैं कुछ, और कुछ मेरी पुरानी वीडियोस जिसमें मैंने थंबनेल्स नहीं लगाए हुए थे, तो उनके लिए फिर मैंने इकट्ठे ही छः थंबनेल्स बना लिए। इन थंबनेल्स के इमेजेस के लिए अपनी वीडियोस में से स्क्रीनशॉट्स लेके भी जो बेस्ट इमेजेस हैं वो भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर से भी इमेजेस लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह भी आपका दिल करे वो आप बना सकते हैं। नाउ आई विल चेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दी स्लाइड्स। फिर हमने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं डिफरेंट, जितने भी हमने वो बनाए हैं उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। जितने भी वीडियोस पे थंबनेल लगाने हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम थंबनेल चेंज करना चाहते हैं, पहले लगे होते हैं लेकिन चेंज करना चाहते हैं उसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करके, तो फिर उसके स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे ले लें। देन वी विल मूव टू द गैलरी एंड क्रॉप दीज थंबनेल्स। फिर हमने गैलरी में जाना है और गैलरी में जाके जो है वो ये जितने भी थंबनेल्स हैं उनको क्रॉप कर लेना है अपने, और जिस तरह ये मैंने अब इसको इतना क्रॉप कर लिया है, अब बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है कि हम इतना ज़्यादा क्रॉप नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही क्रॉप करेंगे जो एक्स्ट्रा जो उसके मार्क्स वगैरह नज़र आ रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए। और अब हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब हम यूट्यूब स्टूडियो में जाके तो जिस तरह भी अपना थंबनेल लगाते हैं उस तरह लगा लेंगे इसको। मैं हमेशा वीडियोस अपलोड करने के बाद उसका थंबनेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे यही आसान लगता है कि मैं उन यूट्यूब स्टूडियो की तरह जो सजेशंस होती हैं थंबनेल के लिए वो भी देख लूँ, उसके बाद ही थंबनेल लगाऊँ। नाउ दे आर शोइंग डिफरेंट वीडियोस। आई विल सिलेक्ट द वन दैट आई वांट टू पुट थंबनेल्स ऑन। अब फिर अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है जिस पे हमने थंबनेल लगाना है, और सबसे पहले हम एडिट की ऑप्शन में जाएंगे, और एडिट की ऑप्शन में ये जो एडिट का दोबारा साइन बना हुआ है ये थंबनेल के लिए है। तो अगर हमने थंबनेल एडिट करना होगा तो फिर हम दोबारा थंबनेल एडिट की ऑप्शन में जाएंगे। इस तरीके से अब ये आपको तीन जो है वो शो कर रहे हैं कि कौन से आप इसमें थंबनेल्स लगाना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी जो आपकी वीडियोस में हैं थंबनेल्स, वीडियो से आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि उनमें से आप कोई भी थंबनेल लगा सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो जो कस्टम थंबनेल हमने बनाया है वो लगा सकते हैं। तो बिकॉज आई डोंट लाइक ऑल दी सजेशंस, दैट्स व्हाई आई हैव मेड कस्टम थंबनेल्स फॉर इट, and then I'll put the custom thumbnails by going to by clicking on the custom thumbnail and then putting it on my video। अब देखें जो जितने भी जो सजेशन दे रहे हैं ये मैं आपको लगा रही हूँ, ये इसमें से मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, दैट्स वाई मैंने जो है वो कस्टम थंबनेल में जाके तो ये वाला अपना जो कस्टम ये जो कोट है जो अपना थंबनेल है वो सिलेक्ट किया और फिर उसको मैंने लगा लिया इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा, इससे आपको नए आइडियाज़ भी मज़ीद आ सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है तो वो आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।